छत्तीसगढ़ कंडरा आदिवासी समाज के बैनर तले अपनी 6 सूत्रीय मांग व बंसोड समाज को प्रतिवर्ष शासन द्वारा निर्धारित 1500 नग तक बांस प्रदाय किए जाने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट पहुंचकर दिया गया ज्ञापन। समाज को प्रतिवर्ष शासन द्वारा निर्धारित 1500 नग बांस प्रदाय करने सहित अपनी 6 सूत्री प्रमुख मांग को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में कंडरा समाज के लोग छत्तीसगढ़ कंडरा आदिवासी समाज के बैनर तले दुर्ग के हिंदी भवन के सामने धरना प्रदर्शन की और अपनी आवाज बुलंद की। गौरतलब है कि पुश्तैनी व्यवसाय करने वाले प्रदर्शन कर रहे समाज के लोगों ने बताया कि हमारे समाज का एकमात्र पुश्तैनी व्यवसाय बांस से विभिन्न सामान सुपा चटाई टोकनी ट्री गार्ड इत्यादि बनाकर अपने व अपने परिवार का भरण पोषण करना है, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1500 नग तक बांस प्रतिबंध सोड़ बांस काट धारा को सालाना वन विभाग के द्वारा दिया जाना निर्धारित है। लेकिन विगत कई वर्षों से बांस डिपो को छोड़कर अधिकांश डिपो में प्रतिवर्ष 400-500 बांस से अधिक बांस हमारे समाज को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसके कारण पुश्तैनी व्यवसाय होते हुए भी रोजगार के लिए भटकना पड़ रहा है और साथ ही जीवन निर्वाह की विकट समस्याएं उत्पन्न होती नजर आ रही है, जिसके चलते आज हम इस बैनर तले इकट्ठा होकर अपनी आवाज उठा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंच ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में मीडिया के समक्ष समाज के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमको शासन द्वारा निर्धारित से 1500 बांस देने का सालाना, पर सालाना 1500 बांस मिलते नहीं, मात्र 200-300 बांस मिल के ही पूरा मतलब साल में तीसरी कर देते हैं। हम लोग कई बार ज्ञापन सौंपे लेकिन हमारी आवाज़ को सुनने वाला नहीं है, इसलिए आज हमको रोड में आना पड़ा। सुने सर, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है हम लोग को, अपने बच्चे लोग को अच्छे शिक्षा पढ़ा नहीं पा रहे हैं और जो अपन लोग जो जीने की तरीका भी बदल गया है। हम लोग का पैतृक धंधा है ये बांस का, लेकिन शासन हम लोग को बांस नहीं था। हम लोग अधिकारी के पास में, SDO के पास में, CCF के पास में गए। CCF ने हमको 45,000 बांस प्रदाय किया, लेकिन 45,000 में मात्र 8,000 ही बांस ला पाए हैं और अभी तक से बांस नहीं ला। और साल में जो हमको 1500 बांस मिलती है वो 1500 बांस नहीं मिल रही है, मात्र अभी अगस्त चल रहा है, 8 महीना हो गया, 8 महीना में 100 मात्र बांस दिए, जबकि हमको महीना में 125 बांस देना था और अभी 8 महीने में 100 बांस मिल रहा है। उसमें हमारे समाज वाले एकदम गरीबी स्थिति में आ गए, दैनिक स्थिति में आ गए हैं, जिससे हम लोग क्या बोल सके सर। आप कुछ समझदार हैं और सरकार समझदार है, हम लोग ये बोल रहे हैं जैसे बांस नहीं है करके बोलते हैं, CCF सर, DO4 सब बोलते हैं बांस नहीं है, जंगल में उन लोग को नीलामी करने के लिए बांस है। हम लोग खुद स्वयं गए थे सर जंगल देखने के लिए, वहाँ 50,000 बांस पड़ी थी, बोलने के बाद वहाँ 25,000 को दिए और 20,000 नहीं दिए। अभी खेलकर डिपो में अभी 2-4 दिन में नीलामी बांस हुआ है, जो नीलामी बांस हो रहा है हम बसोड़ बहिलों को, हम कडर लोग को दिया जाए ताकि हम लोग का जीवन यापन चले। और जंगल में बांस नहीं बोलते तो नीलामी बांस क्यों करते हैं, तो हम बोल रहे हैं जो नीलाम कर रहे हैं उसको हमको दो, तो ताकि हमारे रोजी रोटी चले, हमारे बच्चे अच्छे शिक्षा पढ़ सके, हम लोग भी उच्च क्वालिटी में जाए। हम लोग भी सोचते हैं कि नेता मंत्री बने, लेकिन वन विभाग के अधिकारी लोग तो हम लोग को बोलते हैं, मैं स्वयं सर मैं वन विभाग गई थी, अभी DO4 सर हैं, बोलते हैं कि आप तो कटर समाज की नहीं लगती दूसरे समाज के। मैं बोली सर आप कटर समाज के नहीं लगते, बांस ला के दीजिए, मैं कटारी लाती हूँ और आपके सामने काम करके देखती हूँ। आप अच्छे पहनने से थोड़ी होता, सर अच्छी अच्छी क्वालिटी, हर कोई अच्छा पहनना चाहता है, ऐसा नहीं कोई गरीब नहीं रहा, जिसके पास भीख मांगते उनके पास भी मोबाइल है, अच्छे कपड़े पहनते, हम लोग भी अच्छा कपड़े, तो तुलना करते, तुलना नहीं करना चाहिए, जो हमको शासन दे रही है उस पर दीजिए ना, तुलना करने की जरूरत, हम तो अपने हक मांग रहे हैं उनसे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।